अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद मसूद अहमद और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अरा मसूद ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंजन की, बेसिक डेफिनेशन इंजन की क्या है, इंजन क्या होता है और अल्टरनेटर। बेसिकली हम एक जेनसेट को बोलते हैं, उसमें इंजन और अल्टरनेटर, उसकी आपको बताएंगे ये डेफिनेशन क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंजन की बात करें, इंजन की जो डेफिनेशन है, इंजन एक ऐसी मशीन है जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इंजन कहलाती है। ऐसी मशीन जो केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है, इंजन कहलाता है। बेसिकली जब हम इंजन में केमिकल की बात करते हैं, ये कैसे कन्वर्ट करता है, हम फ्यूल, चाहे हम पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डीजल इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, HFO, जो भी हम फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, इंजन की कंबस्चन में, इंजन की इनलेट में, इंजन के सिलेंडर में वो केमिकल जाता है। जाने के बाद वहाँ पे जब उसकी कंबस्चन होती है तो होने से क्या होता है कि वहाँ पर हीट पैदा होती है। वो हीट जो है इंजन के जो है पिस्टन के थ्रू, उसकी जो क्रैंकशाफ्ट के थ्रू उसको रोटेट करवाती है और आउटपुट पे जो फ्लाई व्हील है वो रोटेट होता है, तो वो हीट जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली इंजन जो है वो केमिकल को हीट और हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, इंजन कहलाता है। अब इसी तरह अगर हम अल्टरनेटर की बात करें, अल्टरनेटर एक ऐसी मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करती है। जब हम बात करते हैं मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो उसमें क्या है कि अल्टरनेटर का जो फ्लाई व्हील है हम किसी भी सोर्स से घुमा सकते हैं। आए हम इंजन से घुमाते हैं, अगर हमारी विंड पावर है तो हम एयर से उसके रोटेट करवा रहे हैं, अगर हमारी स्टीम टर्बाइन है हम स्टीम टर्बाइन से उसको रोटेट करवा रहे हैं, अगर हमारी जो है वो डैम्स पे हमारी टर्बाइन लगी हुई हैं जो पानी के फ्लो से रोटेट हो रही हैं, तो हमारी जो वो टर्बाइन है वो वाटर के प्रेशर से। तो बेसिकली क्या है कि वो रोटेट होने से हमारी जो है आउटपुट पे जो है वो हमें अल्टरनेटर के आउटपुट पे हमें इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है। तो इंजन की डेफिनेशन अलग है, अल्टरनेटर की डेफिनेशन अलग है। इंजन केमिकल को हीट, हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है और अल्टरनेटर जो कपल होता है वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में आउटपुट पे कन्वर्ट करता है और इस तरह जो है हमें आउटपुट जो है वो मिल जाती है। सो बेसिकली इंजन और अल्टरनेटर ये दो अलग मशीन है और इस पूरे हम जो कपल को बोलते हैं, जेन सेट्स जो हमारे हैं जिसमें इंजन भी लगे होते हैं और अल्टरनेटर भी लगे होते हैं। तो बेसिकली इंजन की डेफिनेशन आपको जैसे पहले बताई है वो उसकी अलग है और जो अल्टरनेटर है उसकी अलग है। इसी तरह जब हम इंजन से मैकेनिकल आउटपुट लेते हैं उसके साथ हम आगे कोई भी फर्दर काम ले सकते हैं, हम अल्टरनेटर के अलावा किसी भी चीज़ के साथ उसको कपल करके उसको रोटेट करवा सकते हैं। इसी तरह अल्टरनेटर की बात करें, इंजन ना भी लगा हो तो हम किसी और सोर्स से उसके जो अल्टरनेटर है उसके अंदर जो रूटर है उसको हम घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे, तो हम आउटपुट पे जो है वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, अपनी राय से ज़रूर अदा कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।